हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अनिल विज ने कभी अपने बयान कभी वापस नहीं लिया है। मैं आज भी कह रहा हूं, राहुल गांधी अगर हरियाणा में अकेले आना चाहे तो जितनी मर्जी बार आए, अगर काफिले के साथ आए तो हरियाणा में कानून सबके लिए बराबर है। अगर पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे या दंगों को लेकर आओगे तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के अंबानी अडानी के इशारे पर मोदी चल रहे हैं, इस पर भी विज ने कहा कि धीरू भाई अंबानी के राहुल के पिता के साथ क्या संबंध थे, पहले ये पता करें। धीरू अंबानी को किसने बनाया था? राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, वो अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानता, उसको अपने पिताजी के बारे में नहीं पता कि धीरूभाई अंबानी से उनकी क्या दोस्ती थी और क्या मित्रता थी, और बिना मतलब के बातों को उठाना जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं। को पता उन्होंने कभी सत्ता में आना नहीं, जिसने आना नहीं वो कुछ भी कह सकता। कल के अनिल विज ने आज तक कभी अपना बयान वापस नहीं लिया, और हम कह रहे हैं कि अकेले आना है जितनी बार मर्जी आओ, अगर पंजाब से जुलूस लेकर आओगे, हुड़दंगियों को लेकर आओगे तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। उसने पहले ट्रैक्टर यात्रा भेजी, हमने वो बॉर्डर पर रोकी, वो हरियाणा का माहौल ख़राब करना चाहते थे। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा भेजी, वो हमने जीटी रोड पर रोकी, उसको ख़राब कराना चाहते थे। अब शंभू बैरियर पर धरना दे के बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, शंभू कोई पंजाब की राजधानी बनने जा रहा? और इतने शहर हैं, लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, बठिंडा है, फाजिलका है, वहाँ ना करके केवल इसलिए हमारे बॉर्डर पर आके बैठे हुए हैं कि हरियाणा के किसानों को भड़का सके। हमने पहले भी दोनों बार इनकी यात्रा रोकी है और अब भी मैं कह रहा हूँ कि अकेले आना है, कायदे से आना है तो आप आइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सरकार की हिदायतों के अनुसार अभी कोरोना काल चल रहा है, 100 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, और वो नियम आम आदमी के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है। हम 100 से ज़्यादा लोगों को लेकर अगर ये चलेंगे, अगर जिस प्रकार का हुड़दंग ये पंजाब में सरकार की ताकत के बल पर कर रहे हैं, और अगर वो आगे हरियाणा में करना चाहेंगे तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।